so very good morning to all the students today we will be solving our first problem on amalgamation of partnership forms okay so just uh, let me see how many students have joined and uh, then we will start the lecture okay we will wait for two minutes uh, let everyone join and then we'll start now uh, by that time uh, just let me know whether i'm audible or not is my voice coming clearly to everyone? Voice levels are good. Am I audible? Shall we start? okay so let's begin we will start off with the first problem of amalgamation of partnership firm it's a very simple problem so let me share my screen with all of you and then we will start सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस बेसिक्स और द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स पार्टनरशिप फॉर्म्स का अमेलगमेशन क्या होता है और uh, किस तरीके से अमेलगमेशन होता है व्हाट आर डिफरियस एंट्रीज इन सब चीज़ों पर सैटरडे के लेक्चर में हमारा डिस्कशन हुआ था आज हम डायरेक्टली एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम जो है वो शुरू करेंगे और जैसे ही वो प्रॉब्लम होगा आपका ये जो कंसेप्ट है पूरा वो अच्छे से क्लियर हो जाना है ओके okay? विल स्टार्ट ऑफ विद प्रॉब्लम नंबर वन इसके नोट्स आप मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ एम एल गमीशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के उसके नोट्स में से प्रॉब्लम नंबर वन जो है वो डिस्कस करते हैं मिस्टर ए एंड बी वे आर पार्टनर्स इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो थ्री एस टू टू ओके थ्री एस टू टू में वो अपना प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर करते थे एक और फॉर्म थी दूसरी जो सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करती थी जिसमें एक्स और वाई थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था टू एस टू टू ओके इनका था एस टू टू और इनका था टू एस टू टू दैलेंस एज ऑन मार्च एज फॉलोस एक यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है लाइबिलिटीज और एसेट साइड है दोनों की कंबाइंड बैलेंस शीट दी गई है ए बी की एसेट्स और लाइबिलिटीज और एक्स वाई की एसेट्स और लाइबिलिटीज ओके नाउ

जो नई फॉर्म बनेगी चारों पार्टनर्स की जो नई फॉर्म बनेगी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो इक्वल रहेगा मतलब यहाँ पे ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि भाई ए और बी में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वैसा नहीं होगा जो नई पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो सभी पार्टनर्स का एक जैसा रहेगा इक्वल रहेगा सेकेंड टर्म देखो लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ एक्स एंड वाई शेल बी पेड बाईम बिफोर देशन एमगमेशन के पहले ही ये लोन है जो ये और वाई खुद पे करेंगे ये नई फॉर्म में ये वैल्यू लेके जानी नहीं है ठीक है इसका क्या करना है मैं बताऊंगा आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे थर्ड देखिए एसेट्स ऑफ टू फॉर्म्स शेल बी वैल्यूड एस फॉलोअर्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मली हम लोग जब हमारा बिजनेस कैरी ऑन करते हैं तब एसेट हमारी बुक वैल्यू पे होती है लेकिन जब हमारा बिजनेस हम ट्रांसफर करते हैं या किसी नई एंटिटी में आपके साथ हमारा बिजनेस मर्ज करते हैं उस समय आपके बिजनेस के जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं उसका रिवैल्युएशन आप करते हो गुडविल कैलकुलेट करते हो गुडविल के एडजस्टमेंट करते हो तो वही सब चीजें यहाँ पे हो रही है देखिये एसेट्स ऑफ द टू फॉर्म आर वैल्यूड ए और बी के एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ है यहाँ पे देखिए गुडविल ऐड किया गया है वैसे ही एक्स और वाई के एसेट्स का रिवेल्यूएशन हुआ है यहाँ पे भी गुडविल ऐड किया गया इसके बाद और एक इंफॉर्मेशन दी गई है कंबाइंड कैपिटल ऑफ आफ्टर दफ्टर शैल बी थ्री लाख रुपीज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली कैपिटल तीन लाख रुपए रहेगा और जो भी कैपिटल कम ज्यादा हो रहा है वो पार्टनर्स जो है वो खुद लाएंगे अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है यू हैव टू प्रिपेयर अब यहाँ पे लिखा है लेकिन हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे दो चीजें बनानी है आपको जो पुरानी फॉर्म है उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और जो नई फॉर्म होगी आपके अमाल के बाद जो नई फॉर्म होगी उसका आपको क्या बनाना है बैलेंस शीट बनाना ओके okay, तो काफी सिंपल सा सम है सिर्फ लेंदी है थोड़ा सा लेकिन है बहुत ही सिंपल तो यहां पे आपको कौन से कौन से अकाउंट्स बनाने हैं दो रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाने ओके okay, एक ए बी फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट और एक एक्स वाई फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट उनके दोनों के बिजनेसेस को क्लोज करके जो नई फर्म रहेगी उसका बैलेंस शीट हमको रेडी करना है तो एक एक करके हम हमारा सम को सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम आपको आपका रजिस्टर ओपन करना है सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट क्या okay, वैल्यू है।, है देखो ए और बी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है और एक्स और वाई का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है इसमें जो एसेट्स है इस वैल्यू पे वो नए बिजनेस में नहीं जा रही है ओके okay, यहाँ पे एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे अब यहाँ पे ए और बी के पास प्लांट है रुपीस का लेकिन जब वो अपना पार्टनरशिप फॉर्म हैं उस समय प्लांट की वैल्यू कितनी दी जा रही है सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड रिवैल्यू की जा रही है वैसे ही फर्नीचर देखिए दस हजार का था लेकिन आप कितना कंसिडर कर रहे हो नाइन थाउजेंड ओके डेटा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थाउजेंड के थे आप कंसिडर कर रहे हो नाइनटीन थाउजेंड तो ये जो रिवैल्युएशन हो रहा है एसेट्स का वैल्युएशन हो रहा है वो पहले एक वर्किंग नोट के तौर पे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जो नया फॉर्म है उसमें कितना वैल्यू के एसेट्स ट्रांसफर होने वाले हैं उसके बाद हम हमारा सम सॉल्व करना शुरू करेंगे ओके okay? तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है तो यू राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग परचेज कंसिडरेशन ओके हेडिंग डालिए स्टेटमेंट Showing purchase consideration. अब ये purchase consideration क्या होता है यहां पर कोई बिजनेस परचेस हो रहा है क्या परचेस तो नहीं हो रहा है लेकिन वर्ड हम ये यूज करते हैं परचेज कंसिडरेशन मीन्स वॉट कि जब कोई पुरानी फॉर्म किसी नई फॉर्म में मिक्स हो रही है या दो पुराने फॉर्म एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं एमलगमेट हो रहे तो उनके एसेट्स का खरीद के आप कितना हिस्सा उनके पार्टनर्स को नई फॉर्म में दोगे ओके okay, जब मैं सपोज मेरा एक फर्म है मैं किसी दूसरे के साथ जब मिल रहा हूं तो मेरे एसेट्स का मुझे कितना वैल्यू मिलेगा और जो नई फर्म रहेगी उसमें मेरा कितना हिस्सा रहेगा कैपिटल में ये फाइंड आउट करने के लिए परचेस कंसिडरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होता है काफी सिंपल है आपको आपके बुक में एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है ओके okay, और जो सेकेंड कॉलम होगा वो इतना बड़ा नहीं बनाना है जस्ट लेट मी मेक अ कॉलम फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग पर्टिकुल एंड बी और दूसरा फॉर्म कौन सा है एक्स एंड वाई इनके जो एसेट्स है इसका हम लोग वैल्युएशन कर रहे हैं और तीसरा कॉलम बना देना टोटल का यह टोटल का जो मत आ, काम रहेगा ये लास्ट में हमको समझेगा कि ये टोटल का क्या बेनिफिट है ओके okay, तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ये जल्दी से फॉर्मेट रेडी करो इसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं फॉर्मेट रेडी हो जाए तो जस्ट लेट मी नो इन दार्ट विंडो हम इसको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे जस्ट लेटमी नो अगर आपका स्टेटमेंट बन जाता है परचेस कंसिडरेशन का तो जस्ट लेट मी नो इन दै विडो हम शुरू करेंगे विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम ओके सो विल स्टार्ट एक-एक करके एसेट्स लेते हैं एसेट्स कैसे ले गए देखिए सबसे पहले ए और बी और एक्स और वाई एक्स और वाई और के लिए प्लांट okay, कितना है ए और बी के लिए फिफ्टी थाउजेंड एक्स और वाई के लिए फोर्टी थाउजेंड इनके जो बैलेंस शीट के वैल्यूज है डायरेक्टली ये, okay, ये जो सब दिया है रिवैल्यूएटेड फिगर्स ये हमको लिखने हैं तो प्लांट फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड लिखिए प्लांट ए और बी के लिए फिफ्टी थाउजेंड एक्स और वाई के लिए फोर्टी थाउजेंड टोटल कितना आता है दोनों का वो भी लिख लो टोटल आता है नाइनटी थाउजेंड ओके नेक्स्ट अगला एसेट क्या है देखो फर्नीचर नाइन थाउजेंड और थर्टीन थाउजेंड फर्नीचर कितना है नाइन थाउजेंड और थर्टीन थाउजेंड अगेन लिख लो से भी फर्नीचर नाइन थाउजेंड एंड थर्टीन थाउजेंड इसका भी टोटल ले लो कितना आता है? थर्टीन थाउजेंड कितना होता है बताओ मुझे कितना होता है? ट्वेंटी टू थाउजेंड ओके इट इज ट्वेंटी टू थाउजेंड नेक्स्ट डेटर्स है नाइनटीन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड ओके डेटर्स कितने इनका भी वैल्यू लिख देंगे हम लोग. ले लो दोनों का कितना आता है? और फोर्टी थ्री थाउजेंड ओके फोर्टी थ्री थाउजेंड इसके बाद है स्टॉक स्टॉक कितना है ट्वेंटी फोर थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड तो स्टॉक पहले सभी एसेट्स लिख रहे हैं हम लोग उसके बाद लाइबिलिटीज लिखेंगे ओके स्टॉक कितना कितना है है और और इनका टोटल नेक्स्ट गुडविल अब देखिए गुडविल एक ऐसा एसेट है जो ओरिजिनली हमारे बैलेंस शीट में नहीं था ओके okay. लेकिन अब यहाँ पे एडिशनली उन्होंने गुडविल का वैल्यू दिया है तो वो गुडविल का वैल्यू हम लोग हमारे प्रॉब्लम में ऐड करेंगे गुडविल गुडविल के कैलकुलेशन आपके बहुत बार पहले हुए हो गए में गुडविल है टोटल तो, कितना होता है गुडविल का वन लाख थर्टी थाउजेंड ओके कितना टोटल होता है वन लाख थर्टी थाउजेंड अब एक बार जल्दी से देख लो सभी एसेट्स हमारी कवर हो गई है जो ओरिजिनली बैलेंस शीट था उसमें की सभी एसेट्स हमारी कवर हो गई क्या देखिए प्लांट फर्नीचर और स्टॉक था प्लांट फर्नीचर और स्टॉक हो गया है उसके बाद था ओके ओके भी हो गया है गुडविल नहीं था लेकिन गुडविल का वैल्यू एड करने को बोला तो हमने कर दिया है कौन सा एसेट बाकी है कोई एसेट बाकी है? देखो जो हमने नहीं लिखा हमारे सम में ऐसा कोई एसेट बाकी दिख रहा है कोई भी एसेट बाकी नहीं सभी एसेट्स हो गए कि कोई एसेट बाकी रह रहा है देखो जरा ध्यान से देखो मुझे बताओ कैश इन हैंड बाकी है करेक्ट ओके कैश इन हैंड बाकी है कैश कितना है देखिए ए बी का बारह हजार रुपए कैश है और एक्स वाई का फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कैश है ओके एक्स वाई का फिफ्टी थाउजेंड कैश है तो फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं कैश ए बी का बारह यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ कैश इनका लिख रहा हूं फिफ्टी थाउजेंड ओके लिखना नहीं वाई का का मिनट के लिए यहाँ पे आप लोग रुक जाओ मैं आपको लिखने टाइम दूंगा ओके लिख लो यहां से लिखना नहीं रुक जाना है थोड़ा सा तो मुझे एक करना है आपको ओके तो लाइबिलिटीज में देखो क्रेडिटर्स है बेटा स्क्रीन अगर क्लियर नहीं है तो आपका आ, जो यूट्यूब का आ, सेटिंग है वो 240p पी से बढ़ा के उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए 360p पी पे या 480 तो हो जाएगा अगर स्क्रीन का इशू है मेरे पास से कोई इश्यू नहीं है स्क्रीन का अगर इशू आ रहा है तो आप आपका यूट्यूब का स्ट्रीमिंग क्वालिटी बढ़ाई किसी और को स्क्रीन का इशू आ रहा है क्या किसी और को स्क्रीन का इशू आ रहा है नहीं आपको सिर्फ स्क्रीनिंग का आपका जो क्वालिटी है वो बढ़ाना है ओके अब देखिए एसेट साइड हो गया मेरा अब लाइबिलिटी साइड पे कौन सी कौन सी लाइबिलिटीज कैपिटल को छोड़ के कौन सी कौन सी लाइबिलिटीज है तो दो लाइबिलिटीज है एक है क्रेडिटर्स की और एक है लोन फ्रॉम बैंक की ओके okay? तो ये दोनों लिख लेता हूं मैं यहां पे पहले क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक आपने लिखना नहीं है ओके okay? आपने रुक जाना है यहाँ पे आपने लिखना नहीं है मैं लिखने का मौका दूंगा आपको सभी को क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक ये दो लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स कितनी है फिफ्टी और फोर्टी लिख लेते फिफ्टी थाउजेंड और फोर्टी फाइव थाउजेंड और लोन फ्रॉम बैंक कितना है फिफ्टी ओके okay. लोन फ्रॉम बैंक कितना है फिफ्टी थाउजेंड अब यहां एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपके सम में दिया गया है देखिए यहां पे एडजस्टमेंट नंबर टू लोन फ्रॉम बैंक ऑफ एक्स एंड वाई शैल बी पेड बिफोर द अमलगमेशन ओके okay. अमलगमेशन होने से पहले ही ये जो लोन का पैसा है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का एक्स और वाई पे कर देंगे इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि एक्स और वाई जो है ये, लोन का पैसा पे कर देंगे नई जो फॉर्म रहेगी वो लोन का पैसा पे नहीं करेंगे लोन की जरूरत नहीं है मतलब आपको क्या करना है यहां लोन का पैसा है यह आपको कंसिडर नहीं करना है इसका पेमेंट कर देना है ओके ठीक है तो लोन का पेमेंट कर देना है पचास हजार की लोन अगर आप पे कर दोगे तो लोन का पेमेंट करने के लिए आपको क्या लगता है पैसा लगता है कैश 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 लगता है 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 ओके आपके आपके पास पास इतना पे करने के लिए हाँ है, आपके पास है, देखो यूज कर, तो इस, कर रहे अभी okay. करना है? ये लोन जो है ये नए फॉर्म में नहीं लेके जानी है. तो ये क्या करेंगे ये जो पचास हजार रुपए का कैश है इनके पास का इस कैश से ये पचास हजार रुपए का जो लोन पेंडिंग दिख रहा है बैंक का वो पे कर देंगे ओके okay, तो ये पचास हजार भी कट कर देना है और ये फिफ्टी भी कट कर देना है ओके okay, ये में, पचास हजार रुपए आपको कैश के भी कंसिडर नहीं करने है और लोन फ्रॉम बैंक भी कंसिडर नहीं करना है क्यों क्योंकि लोन जो है एक्स वाई की आपको पे कर देनी थी के पहले ही ओके okay, तो आपने क्या किया आपके पास जो पचास हजार रुपए थे उससे आपने लोन पे कर दी तो अभी कैश कितनी बची आपके पास कैश है दोनों फॉर्म्स की मिला के कैश है आपके पास बारह हजार रुपए क्रेडिटर्स है नाइनटी फाइव थाउजेंड रुपीज और लोन फ्रॉम बैंक है ही नहीं जीरो देर इज नो लोन फ्रॉम बैंक ओके जीरो हो गया अब इसको लिख लो जल्दी से लाइबिलिटीज लेस होगी ओके अब इसको लिख लो जल्दी से लाइबिलिटीज जो होगी ना वो हमेशा लेस होती है इसके लिए उसको नेगेटिव में लिख रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा आप भी नेगेटिव में लिखिए उसको आप उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ओके okay, गया सभी, का, और सभी के लिख के हो गई okay, अब आपको सिर्फ इसका टोटल लेना है ओके ऑल माइनस लाइबिलिटीज ऑल एसेट्स माइनस लाइब्रिटीज मुझे जल्दी से टोटल बताओ ये है रहेगा आपका परचेस कंसिडरेशन परचेस कंसिडरेशन मतलब जो नया फॉर्म रहने वाला है उसमें हमारे एग्जिस्टिंग फॉर्म कौन सी कौन सी चीजें नया फॉर्म एक्वायर कर रहा है और उसके बदले हमको कितना पैसा मिल रहा है वो उस पैसे को हम लोग कह देंगे परचेस कंसिडरेशन पैसा मिल तो नहीं रहा है लेकिन उतना हिस्सा मिल रहा है हमको नए फॉर्म में तो कितना है परचेस कंसिडरेशन वो बताइए मुझे ये सभी एसेट्स जो है ए बी की सभी एसेट्स का टोटल लेना है और लाइबिलिटीज को माइनस करना है सेम करना है एक्स वाई के लिए टोटल के कॉलम को कुछ नहीं करना है टोटल का कॉलम हम लास्ट में ए बी के लिए कितना आता है मुझे बताओ फिगर चार्ट विंडो में बताओ वन लैख फोर्टीन थाउजेंड एग्जैक्टली एकदम करेक्ट है ए बी के लिए आता है वन लैख फोर्टीन थाउजेंड सेम अभी एक्स वाई के लिए बताओ मुझे जल्दी से एक्स वाई के लिए कितना आता है बताओ यस ए भी आप लोगों का बराबर है सभी का जो आप कैलकुलेट कर रहे हो अभी एक्स वाई के लिए बताओ मुझे जल्दी से ख फोर्टी टू थाउजेंड ओके करेक्ट है एक्स वाई के लिए भी आपका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है बेटा okay. uh, है है आपका जागृति वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड आना चाहिए शायद आपने क्रेडिटर्स की वैल्यू और लोन फ्रॉम बैंक भी ऐड कर दिया है देख लो एक बार ओके इट शुड कम टू वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड ओके अब ये वन लाख फोर्टीन थाउजेंड और वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड क्या है कि जो नया पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा वो इतना पैसा हमारे पुराने पार्टनरशिप फॉर्म को देने, देने वाला है क्यों देने वाला है क्योंकि वो हमारे पुराने पार्टनरशिप फॉर्म का एसेट और लाइबिलिटी अपने पास लेके जा रहा है ओके इसके लिए नए पार्टनरशिप फॉर्म से हमसे इतना पैसा जो है वो मिलने वाला है अब ये वर्किंग नोट हो गए हमारी ओके ये सिर्फ वर्किंग नोट हुई अब हमारा जो मेन सम है वो अब हम शुरू करेंगे ओके मेन सम जो है आप हम शुरू करेंगे तो आपका ये वर्किंग नोट जो बना है इसी के नीचे आपको अभी सम टाइप करना शुरू कर देना है सबसे सब पहले हम कैलकुलेशन करेंगे ए बी के लिए उसके बाद एक्स वाई के लिए और उसके बाद नई फॉर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे ओके तो एक एक करके हम हमारा सम सॉल्व करना शुरू करते है. आपको हेडिंग देना है इन द बुक्स ऑफ ए बी या ए

पर्टिकुलर एंड अमाउंट ओके ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट ए और बी का ओके नाउ लेट एस स्टार्ट सॉल्विंग नाउ सोल्व कैसे करना है हाउ विट तो जैसे मैंने कल भी आपको कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको करना है कि जो बैलेंस शीट है वो एम टी करनी है बैलेंस शीट जो है वो खाली करनी ओके बैलेंस शीट खाली कैसे करोगे कि पहले एसेट्स एम करोगे फिर लाइबिलिटीज एम करोगे और फिर बाकी का पैसा जो है वो पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल का अकाउंट को वो पैसा भी ट्रांसफर कर दोगे ओके okay, तो ये प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट को एमटी करना ओके व्हाट वी आर डूइंग वी आर एम द बैलेंस शीट तो स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एमटीन द बैलेंस शीट यहाँ पे देखिए प्लांट है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का ठीक है बैलेंस शीट में से इसको खाली करना है ओके खाली करना है मतलब यहां पे ये फिगर जो है इसको ये सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देना है यहां से निकाल के रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देना है तो एक एक करके सभी एसेट्स आप लिख दो यहाँ पे पहले आएगा प्लांट उसके बाद अगला एसेट कौन सा है फर्नीचर फर्नीचर उसके बाद स्टॉक है नेक्स्ट है डेटर्स उसके बाद है कैश ओके प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटा और कैश ये मैंने लिख दिया इनकी वैल्यूज भी लिख दो क्या वैल्यूज थी इनकी बैलेंस शीट की वैल्यूज क्या थी प्लांट की थी सिक्सटी थाउजेंड फर्नीचर की थी टेन थाउजेंड तो प्लांट की थी सिक्सटी थाउजेंड फर्नीचर की वैल्यू टेन थाउजेंड लिख दिया नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड तो स्टॉक की वैल्यू लिख दिया मैंने ट्वेंटी थ्री थाउजेंड डेटर्स का वैल्यू देखो डेटर्स का वैल्यू है ट्वेंटी थाउजेंड अगेन डेटर्स ट्वेंटी थाउजेंड और कैश कितना है कैश है ट्वेल्व थाउजेंड तो कैश मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड अभी आप पूछोगे कि सर ये नई वैल्यूज क्यों नहीं ली ये कहाँ पे ले गए तो थोड़ा सा रुक जाओ वो उसका क्या एडजस्टमेंट है वो भी मैं बताता हूँ पहले आपने क्या करना है बैलेंस शीट एम्प्टी टी करनी तो एसेट साइड हमने पूरी की पूरी एम्प्टी कर दी एसेट साइड एम्प्टी अभी लाइबिलिटीज साइड पे आओ लाइबिलिटीज साइड पे सबसे पहले क्या है यहाँ पे क्रेडिटर्स है ओके okay, कितने के क्रेडिटर्स है हमारे पास पचास हजार के क्रेडिटर्स है तो वो लिख दो यहाँ पेडिटर्स ओके okay, अब क्या रह गया ए और बी की बैलेंस शीट में अब क्या रह गया है देखो एसेट पूरे खत्म हो गए लाइबिलिटीज में से क्रेडिटर्स पूरे खत्म हो गए अब सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बचा है ओके okay, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बचा है तो मैंने कल भी बताया था पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना बैलेंस शीट खाली कर देनी तो यहां पे एक और आप छोटा सा अकाउंट बना लोगे रियलाइजेशन अकाउंट के बाजू में ही बना लोगे इसको फिर से वही नाम देंगे हम थोड़ा सा नाम इसका चेंज कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं रहेगा ये ये रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओके और इस अकाउंट में आपके दोनों ही साइड पे दो दो कॉलम्स हो गए ओके okay, इसमें फॉर्मेट कैसा रहेगा पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर्स के नाम पहला पार्टनर है ए दूसरा पार्टनर है बी अगेन ए एंड बी ओके इस तरीके से आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लेना है ओके okay, ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब जैसे हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया वैसे ही पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो हम पार्टनर्स के अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे कैसे करेंगे देखो पार्टनर्स का कैपिटल कितना था ए का कैपिटल था पैतालीस हजार रुपए और बी का कैपिटल है थर्टी थाउजेंड रुपीज तो ये फोर्टी फाइव थाउजेंड और ये थर्टी थाउजेंड आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में ट्रांसफर कर दोगे बाय क्रेडिट में क्यों ट्रांसफर करेंगे क्योंकि लाइबिलिटीज है ना इसके लिए क्रेडिट में एसेट जो होते हैं वो डेबिट में ट्रांसफर करते हैं तो okay. कितना बैलेंस फोर्टी फाइव थाउजेंड है और बी का थर्टी थाउजेंड तो फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड ये मैंने बैलेंस लिख दिया ओके छोटा सा अकाउंट बनेगा है बैलेंस में लिख दिया फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है मेरे पास शायद जस्ट जस्ट वेट अ मिनट मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है इंटरनेट का इश्यू आ रहा था वो शायद सॉल्व हो चुका है कंटिन्यू तो ये पार्टनर का बैलेंस मैंने यहां पे कॉपी कर लिया है okay, अब ठीक मेरा आवाज आ रहा है सभी को बीच में नेट का इशू आया था शायद मेरा आवाज कट गया था बीच में से इज माई ऑडियो विजिबल एम आई ऑडिबल वीडियो इज विजिबल बेटा आवाज आ रही है सभी को मेरी ओके ठीक है वी विल कंटिन्यू अगेन ओके okay, तो बैलेंस जो था ये पार्टनर्स का जो बैलेंस था ये मैंने लिख दिया कहा से लिखा ये बैलेंस यहां से पैतालीस हजार और बी का बैलेंस था वो मैं यहां पे लिख चुका ओके okay, ओके okay. अब ये स्क्रीन शेयर मेरा माई स्क्रीन इज शेयर ठीक है आप पीछे हो गए मेरे स्ट्रीम के आप पीछे हो ओके okay. अब क्या करोगे ओके नाउ विल डू अब ये पूरी एंट्रीज हो गई बैलेंस शीट पूरा के पूरा हमारा जो था वो एम हो चुका ओके बैलेंस शीट जो है वो पूरा के पूरा के हमारा हो चुका अब हमें ये जो ओल्ड फर्म है इसको क्लोज कर देना है ओके ओल्ड फॉर्म को क्या कर देना है क्लोज कर देना है तो यहाँ पे अभी वो फिगर काम में आएगा जो हमने परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेट किया ना ये एक लाख चौदह हजार ये अभी यहां पे हमको काम में आएगा कि अब आपको ये जो ये सभी जो एसेट्स है ये सभी चीजें ये एसेट्स और लाइबिलिटीज इसे न्यू फॉर्म जो है वो टेक ओवर कर रही है इसे न्यू फॉर्म टेक ओवर कर रही है तो इसके बदले में ये सब एसेट्स और लाइबिलिटीज ले जाने के बदले में न्यू फॉर्म आपको कितना पैसा दे रही है एक लाख चौदह हजार रुपए वन फोर्टीन थाउजेंड रुपीज ओके तो इसे हम कहेंगे बाय न्यू फॉर ओके बाय न्यू फॉर्म वन लाख फोर्टीन थाउजेंड रुपीज समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे ओके okay, समझ में आया क्या किया हमने ये एक लाख चौदह हजार रुपए जो थे ये हमें नई फॉर्म दे रही है नई फॉर्म क्यों दे रही है क्योंकि वो हमारे ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है इसे टेक ओवर कर रही है ओके okay, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज को नई फॉर्म हमारा टेक ओवर कर रही है इसके लिए हमको कितना पैसा मिल रहा है वन लाख फोर्टीन थाउजेंड रुपीज मिल रहा है ओके okay, अब अब इसको क्लोज करो इसका टोटल ले लो इसको क्लोज करो कितना आएगा इसका टोटल वन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड टोटल आएगा ओके okay, डेबिट साइड पे भी उतना ही टोटल आएगा वन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड और कुछ डिफरेंस निकलेगा टैली तो नहीं होगा कुछ डिफरेंस निकलेगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का कुछ प्रॉफिट निकलेगा ओके okay, तो कितना निकलता है वो बताओ मुझे जस्ट रियलाइजेशन अमाउंट अकाउंट का कितना प्रॉफिट निकलता है वो बताओ मुझे चार्ट विंडो में वन लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड माइनस ऑल दिस अमाउंट ये जो भी पैसा निकलेगा इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओके okay. ये जो भी पैसा निकलेगा इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे कितना पैसा निकल रहा है जल्दी से बताओ मुझे वन लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड माइनस ऑल दिस थिंग्स इट शुड कम टू थर्टी नाइन थाउजेंड ओके इट शुड कम टू थर्टी नाइन थाउजेंड थर्टी नाइन थाउजेंड या फिफ्टी क्या आ रहा है कन्फर्म करो लेट मी ऑल्सो कन्फर्म ओके इट कम्स नाइन 39,000 नॉट 57,000 इट कम्स टू ओके ये जो 39,000 रुपीस है ये 39,000 रुपीस हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने है ओके okay, ट्रांसफर करने मतलब यहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 39,000 रुपीस को आप ए और बी में शेयर कीजिए थर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज को आपको ए और बी में शेयर करना है कौन से रेशियो में तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था थ्री एस टू टू ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था थ्री एस टू टू तो थर्टी नाइन थाउजेंड को थ्री एस टू टू में शेयर कीजिए थर्टी नाइन थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय थ्री ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ए को मिलेंगे A को मिलेंगे और उसी तरीके से थर्टी नाइन थाउजेंड डिवाइडेड मल्टीप्लाइड रुपीजे फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज बी को मिलेंगे समझ में आ रहा है क्या किया मैंने समझ में आ रहा है थर्टी नाइन थाउजेंड को ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया okay? ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड और फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टोटल ले लो थर्टी नाइन थाउजेंड आने वाला ओके okay, तो यहाँ पे मैंने क्या किया रियलाइजेशन से जो पैसा बच रहा था वो पार्टनर्स में मैंने ट्रांसफर कर दिया अच्छा अब ये जो न्यू फॉर्म से पैसा मिला है एक लाख चौदह हजार रुपए इतना ही हमारे पार्टनर्स का हिस्सा रहने वाला है नए फॉर्म में भी ओके okay, इतना ही हमारे पार्टनर्स का हिस्सा भी रहने वाला है न्यू फॉर्म में तो सेम ये जो वन लाख फोर्टीन थाउजेंड है ना ये यहाँ पे भी लिख देना टू न्यू फॉर्म अकाउंट जो नया फॉर्म रहेगा उसमें और ये जो वन लाख फोर्टीन थाउजेंड रुपीज है एक लाख चौदह हजार रुपए इसे आपको ए और बी में डिवाइड कर देना है ए और बी में इसे आपको डिवाइड कर लेना है। कौन से रेशियो में कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे तो थ्री एस टू टू के रेशियो में ओके तो वन लाख फोर्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाइड थ्री कितना आता है सिक्सटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड उजेंड फोर हंड्रेड इसी तरीके से वन लैक फोर्टीन थाउजेंडिड मल्टीप्लाइड्रेड ओके तो ये हमने क्या किया नए फॉर्म में जो हमारा पुराने पार्टनर्स का रेशियो होने वाला है वो लिख दिया और रियलाइजेशन अकाउंट से मिलने वाला पैसा भी पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया अब जस्ट इसका टोटल ले लो और इसका टोटल अगर टैली होता है मतलब आपका सम जो है वो अब तक करेक्ट है ओके okay, इसका टोटल ले लो और इसका टोटल अगर टैली हो रहा है मीन आपका सम जो है वो अब तक करेक्ट है टोटल कितना आना चाहिए सिक्सटी एट फोर हंड्रेड आना चाहिए फोर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड डेबिट साइड का है तो क्रेडिट साइड पे भी उतना ही टोटल आना चाहिए सिक्सटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड इसका आएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओके मतलब यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका टैली हो रहा है मतलब आपका ए और बी का जो बुक्स था वो प्रॉपरली क्लोज हुआ है ओके okay? अब ये जो प्रोसेस हमने किया ओके okay? ये जो पूरा प्रोसेस हमने ए और बी के लिए किया ना सेम प्रोसेस आपको एक्स और वाई के लिए करना है सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको एक्स और वाई के लिए करना है और वो काम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ओके okay? आज आपको जैसे मैंने ये ए और बी का कैलकुलेशन किया सेम वैसे ही एक्स और वाई का कैलकुलेशन आपको करना है और कल हम जब हमारा लेक्चर होगा सेकेंड सम हम लोग जब शुरू करेंगे उसके पहले हम ये एक्स और वाई का कंसिडरेशन करेंगे न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे इस सम को क्लोज करेंगे और फिर सेकेंड सम हमारा शुरू करेंगे ओके तो आपको एक्स और वाई के लिए कैलकुलेशन करना है सिर्फ आप अगर चाहो तो फिगर्स लिख सकते हो एक्स और वाई का जो आ, बुक्स रहेगा वो जो टी फिगर रहेगा एक्स और y की जो जो रहेगी रहेगी वो वो रहेगी के के लिए और y के लिए और और आएगी 58, okay. मतलब partners capital account जो है वो इस इस पे पे होगा ये लिख लो सिर्फ अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली होता है एक्स और वाई के लिए तो आपने सम जो है वो प्रॉपरली किया है okay. so we will stop फॉर हयर क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट निकालना है ठीक है निकाल लो क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट वैसे मैंने ये नोट्स आपके टेलीग्राम के ग्रुप पे दी हुई है कोई स्क्रीन शॉट निकालने की जरूरत नहीं है आपको हाँ जो मैंने नोट्स की साइड दी है उसमें मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया आज मैं अपडेट कर लूंगा लेकिन जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर मैंने सभी नोट्स आपको दी है इवन ये चैप्टर के प्रॉब्लम्स मैं दे चुका हूं ओके okay. आप थोड़ा सा ढूंढिए इसको मेरे आ, जो मैसेजेस है उसमें आपको मिल जाएगा ओके okay? तो आ, किसी को अगर कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हो गए तो पूछो अगर आ, नहीं होते तो वी विल स्टॉप जस्ट अ सेकेंड आज का अटेंडेंस हमारा शायद रह गया है तो वो मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ जस्ट वेट वन मिनट तब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो बेटा कोई चीज अगर नहीं समझी इसमें तो यू कैन आस्क काफी इजी है बस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इट्स वेरी इजी जस्ट लेट मी इनेबल द अटेंडेंस एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड रिकॉर्ड योर अटेंडेंस ओके लिंक जो है वो एक्टिव है चैट विंडो में भी मैंने पुटअप कर दी है अटेंडेंस आपके रिकॉर्ड कर लेनी है ओके लिंक एक्टिव है अटेंडेंस का लिंक चैट विंडो में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है आप आपका अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिए और कल के दिन हम हमारा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में या कोई पॉइंट अगर नहीं समझा तो अभी भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको अगर कोई हो गए कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो मुझे ठीक है अटेंडेंस लिंक जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा अगले दस मिनट तक एक्टिव रहेगा आप आपका अटेंडेंस जो है रिकॉर्ड कर सकते हो यहीं पे मैं मेरा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू नहीं करूंगा यहाँ पे लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूँ कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे होमवर्क आपको करके आना है एक्स और वाई का कैलकुलेशन आपको करके लाना है ओके वी विल स्टॉप थैंक यू वेरी मच